पिछले काफी समय से किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, ठाकुर सूरजपाल और भगवान सिंह कुशवाहा मांग उठाते रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर आलू किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की मियाद हर साल 30 नवंबर तक हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने अब इसे घटाकर 31 अक्टूबर कर दिया है, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। उनके मुताबिक अभी खेती का काम चल रहा है और किसान उसमें व्यस्त हैं। अगर ऐसे में आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाएगा तो किसानों को बड़ी असुविधा होगी और नुकसान भी। पूर्व विधायकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान के लिए मांग उठाई है। जिन किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा है उसके लिए सरकार द्वारा पिछले कई सालों से सरकार का जो आदेश था कि कोल्ड स्टोरेज से 30 नवंबर तक आलू रखा जा सकता है, लेकिन इस बार पता नहीं सरकार ने किस मजबूरी के तहत उसे 31 अक्टूबर कर दिया। अभी ज़िले में बुवाई का काम चल रहा है किसानों का बीज भी रखा है और पिछले 5 साल बाद पहली बार किसानों को आलू में कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे में हम सरकार के उस 31 अक्टूबर तक के आदेश का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि किसानों का आलू कोल्डों में 30 नवंबर तक रखा जाए और उसे किसी भी तरह से न छेड़ा जाए। जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं उन अधिकारियों को क्षेत्र में जाना चाहिए, खेत देखने चाहिए, देखें बुवाई चल रही है कि नहीं चल रही है, कब तक चलेगी ये भी जानकारी करनी चाहिए। ऑफिस में बैठकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसानों पर प्रकृति की मार हुई, इस बार वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा रहा था, टेम्परेचर ज़्यादा होने के नाते बुवाई बहुत लेट शुरू हुई। और इधर सरकार का दबाव कि 31 अक्टूबर तक आलू निकाला जाए, अगर 31 अक्टूबर तक आलू निकाल लेंगे किसान इतनी जल्दी अपनी फसल की बुवाई नहीं कर पाया था तो किस तरीके कहाँ जाएगा किसान? दोहरी मार हुई किसान के पास में, एक तो लेट बुवाई हुई शुरू, इधर सरकार का दबाव, तो सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है। इस अन्याय को लेकर हम कलेक्ट्रेट पर आए हैं, अपनी मांग को लेकर कहा है कि ये समय 30 नवंबर तक बढ़ाया जाए, किसानों को फसल बुवाई करने का अपना पूरा मौका मिले, ये किसान हित में काम किया जाए। ये किसान हित में काम नहीं किया तो इसको आंदोलन के रूप में देखेंगे। आज हम लोग किसानों की समस्या को लेकर के, खास करके आलू की समस्या को लेकर के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमेशा विगत वर्षों से 30 नवंबर तक कोल्ड में आलू रखने के आदेश सरकार करती आई है। पता नहीं किस द्वेष भावना से या किस कारण से सरकार ने 31 अक्टूबर तक कोल्ड से आलू निकालने के आदेश दिए हैं, क्योंकि किसान अभी बुवाई कर रहा है, खेती में बिजी है, इस तो कारण से आलू निकालने के 31 अक्टूबर तक आदेश हुए हैं, उन्हें वापस लें। जो पहले जो है 31 नवंबर तक आलू रखा जाता था, आपके किसी कारणवश इन्होंने 30 नवंबर कर दिया। प्रदर्शन के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? ये ऑफिसर लोग क्षेत्र में देखें अभी कितनी बुवाई बाकी है, खेतों में पलेवट भी चल रही है, बाजरा के खेत हैं उनमें भी कटाई भी चल रही है, धान के खेत हैं उनमें की कटाई चल रही है, उनके बाद आलू बोया जाएगा। परेशानी ये निकालो कोल्ड में से 31 अक्टूबर को आलू निकालो, फिर हम बीज कहाँ ले जाएं भैया? अगर मान लो निकाल भी लेते हैं, अगर निकाल देते हैं, अगर बीज हमने बाहर रख दिया वो सड़ जाएगा, दाई हो जाएगा, फिर अगली साल के लिए आलू कहाँ से लाओगे? अगर हम बुवाई ना कर पाएंगे आलू की तो फिर बीज कहाँ से लाओगे? अब या खाने को क्या क्या खिलाओगे जनता को? मांग क्या है? मांग ये हमें जो है 30 नवंबर तक का टाइम दिया जाए।